हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अब दिवाली वैकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हमें हमारी पढ़ाई में फिर से लग जाना है और आगे के जो भी चैप्टर्स है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। और आने वाले एग्जाम्स जैसे कि सेकेंड यूनिट टेस्ट और आने वाले जो फाइनल एग्जाम्स है उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। तो आ चुका हूँ फिर से एक और बेहतरीन लेक्चर वीडियो लेके। न्यू बैच हमारा चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें हम हर एक चीज़ को आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट का। तो हम सेवन स्टैंडर्ड का मैथ्स का एक न्यू चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था इस चैप्टर को, ठीक है। तो आज इस चैप्टर का हम लाए हैं लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो दो लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स नंबर 39 की बात करेंगे। तो वैसे ये चैप्टर अगर आप देखोगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक लेक्चर में देख चुके हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन एक लेक्चर में देख चुके हैं, और उसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 37 था, 38 था, वो हमने सॉल्व किया था। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस मैथ्स का और साइंस का और SST सब्जेक्ट का, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का हर एक चीज़ हमने पढ़ा रखा है। हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, तो प्लीज़ उसको देखते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर करके बताना, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके पास फाइनेंशियल अफोर्डेशन नहीं होता कि वो क्लासेस में जा सके या फिर किधर पे भी पढ़ सके, तो प्लीज़ हमारे चैनल के थ्रू वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकेंगे। तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन तो हो गया, तो तीसरा टॉपिक है क्या। तो जो तीसरा टॉपिक आज के इसमें हमें पढ़ना है वो है हमारा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं, और उसी के बेस पर जो प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, क्या होता है भाई पार्टनरशिप का मतलब। तो देखो, पार्टनरशिप का एक बहुत सिंपल वर्ड है, एक बहुत सिंपल मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई बिजनेस चालू करना है, ठीक है, जैसे कोई भी हो सकता है बिजनेस। जैसे मुझे मान लो पानी बेचने का बिजनेस चालू करना है, ठीक है, ये पानी है, इसको मुझे बिजनेस बेचने का पानी बेचने का बिजनेस चालू करना है। तो देखो, बिजनेस चालू करने के लिए मुझे एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, समझ लो ये मेरा फैक्ट्री है, ठीक है। मुझे सप्लाई चेन की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए चाहिए होगा बहुत बड़े बड़े अमाउंट में पैसा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो समझ लो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होंगे 50 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 25 लाख रुपए, ठीक है, मेरे पास सिर्फ क्या है 25 लाख रुपए। मैं क्या बोलूँगा यार कि यार मेरा तो सपना है कि पानी वाला बिजनेस चालू करने का मेरा सपना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो सिर्फ 25 लाख है, चालू करने के लिए 50 लाख चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं किसी और पर्सन के पास जाऊँगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये राहुल है, ठीक है, जैसे मैं हूँ और मैं किसी और पर्सन के पास जा रहा हूँ, लेट सपोज रोहन, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि देख भाई मेरे पास 25 लाख रुपए है, तू एक काम कर, मेरे पास ना एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया, तो तू एक काम कर, अगर तेरे पास पैसे हैं तो तू मेरे को अपना 25 लाख दे दे, ठीक है, और हम दोनों क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, यानी पार्टनरशिप कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम दोनों के पैसे मिला के मेरे पास 50 लाख हो जाएंगे, हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस चलाएंगे, और जो भी बिजनेस से मुनाफा होगा, जो भी इस बिजनेस से हमें पैसा मिलेगा वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, नॉट मुनाफा, जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लेट सपोज हर महीने वो लोग जो है वो 10 लाख कमाते हैं, तो 10 लाख 2 से डिवाइड कर लो, तो मतलब 5 लाख एक को मिलेगा, तो 5 लाख एक एक को प्रॉफिट मिलेगा। तो वो जो पार्टनरशिप होता है वो इस तरीके से काम करता है। तो कभी कभी कुछ बिजनेसेस, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसमें 2 पार्टनर होते हैं, किसी में 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 10 भी होते हैं, 20 पार्टनर्स भी होते हैं, तो डिपेंड करता है कितने पार्टनर्स हैं। तो इफ टू और मोर पीपल, मतलब पार्टनरशिप के लिए 2 लोग तो जरूरत पड़ेंगे, तो या तो 2 होने चाहिए या तो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बेसिक सा डेफिनेशन था और प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ताकि अब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को सॉल्व कर सके और उसके वैल्यूज को निकाल सके। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 39 की तरफ। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 39, इसमें 4 से 5 एग्जांपल है, एटलीस्ट सभी एग्जांपल को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, आप लोग बस बने रहे हमारे साथ। और देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्ट 1,44,000 रुपीज। सुरेश और रमेश ये दो दोस्त होंगे या फिर जो भी होंगे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, 1,44,000 रुपीज जो है वो रेशियो में इन्वेस्ट किया, 4:5 मतलब जितना भी पैसा होगा उसका चौथा हिस्सा, मतलब 4 हिस्सा सुरेश भरेगा और 5वां हिस्सा रमेश भरेगा, मतलब इन शॉर्ट रमेश का शेयर थोड़े ज्यादा होंगे। एंड बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब इन्होंने इन्वेस्ट बिजनेस करने के लिए नहीं किया, इन्होंने जमीन खरीदने के लिए, एक लैंड का टुकड़ा था, जमीन का टुकड़ा था, उसको खरीदने के लिए उन्होंने 1,44,000 4:5 के रेशियो में डाले। After some year, कुछ समय के बाद they sold it at a profit of 20%, मतलब कुछ समय के बाद उन्होंने 20% के profit के हिसाब से उस shares को क्या किया, बेच दिया, shares मतलब उस जमीन को बेच दिया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है what is the profit each of them got, मतलब दोनों को कितना कितना profit मिला, ये हम लोग को calculate करना है। बहुत सिंपल है,
जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था वैसे टाइप का एग्जाम्पल है, बस फर्क यह है कि यहाँ पे उन्होंने बिजनेस नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने प्लॉट यानी कि जो जमीन है वो खरीदा और उसके कुछ सालों के बाद 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट मिला दोनों को वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, तो सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे दोनों मिला के, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया उन्होंने, टोटल इन्वेस्टमेंट किया 1,44,000 रुपीज, इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया। सुरेश और रमेश ये दोनों ने मिलकर कितना इन्वेस्ट किया, 1,44,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जब उस जमीन को वापस से बेचा तो उन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न किया, प्रॉफिट अर्न कितना अर्न किया, 20% अर्न किया। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट अर्न इन रुपीज निकालना चाहता हूं तो 20% ऑफ किसका जाएगा, 1,44,000 का जाएगा। तो मैं निकालता हूं यहां पे प्रॉफिट अर्न इन रुपीज, यहां पे मैं इस प्रकार से लिखता हूं, एक सेकेंड, यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि यहां पे टोटल प्रॉफिट अर्न इन रुपीज, रुपीज में कितना पैसा मिला, तो कितना हो जाएगा 20% ऑफ 1,44,000, ठीक है, 1,44,000 का 20%, मतलब 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1,44,000। तो यहां पे दो जीरो कैंसिल, यहां पे दो जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारा कुछ वैल्यू जो है वो निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा चेक करते हैं हम लोग, वैल्यू क्या निकल रहा है, 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है, 1 2 2 होता है, और उसके पास एक जीरो था, उसके पास एक जीरो था, मतलब 28,800 रुपया। मतलब उनके पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 28,800 रुपया आया। ये हमने क्या निकाला है, टोटल प्रॉफिट निकाला है, मतलब सुरेश और रमेश का मिला के जो प्रॉफिट होगा वो 28,800 होगा। अब ये सुरेश और रमेश ने 50-50% का पार्टनरशिप किया है क्या, नहीं, जैसे मैंने इसके पहले के एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल दिया था कि दोनों ने 25-25 डाला, मतलब दोनों का जो रेशियो था वो सेम था, इसने भी 25 डाला इसने भी 25, मतलब दोनों 50-50% के मालिक है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 4:5 के हिसाब से किया है, मतलब रमेश का जो हिस्सा है सुरेश का वो कम है और रमेश का ज्यादा है, तो प्रॉफिट भी उसके हिसाब से डिवाइड होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रपोर्शन डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट द, या फिर उसके पहले एक स्टेटमेंट अगर आप लिख सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा कि जो प्रपोर्शन है, ठीक है, यहां पे लिखो द प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश, पहले क्या नाम है, सुरेश, पहला नाम है ना, पहला सुरेश लिखो, जैसा नाम है वैसा लिखना, पहले सुरेश, तो ऑफ सुरेश एंड द प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड रमेश इज इक्वल टू 4:5, ठीक है, 4:5 का रेशियो है, सुरेश का 4:5 है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, कॉमन मल्टीपल एक्स मान लूंगा तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देयर फोर सुरेश जो था पहला वाला बंदा, सुरेश का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुरेश का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4x, और रमेश जो था दूसरा वाला इंसान उसका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो रमेश का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5x। ठीक है, अब मुझे पता है कि दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो इसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं चाहे वो सुरेश था चाहे वो रमेश था, ठीक है, इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट था उन दोनों को मिला के ही प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं देयर फोर जो सुरेश का इन्वेस्टमेंट था 4x, उसको अगर मैं प्लस करूं रमेश के इन्वेस्टमेंट के साथ जो कि 5x था, इन दोनों को मिलाऊंगा तब जाके मुझे प्रॉफिट मिलेगा, जो कि था मेरा प्रॉफिट 28,800 रुपया। ठीक है, 28,800 रुपया, तो इसके हिसाब से हो जाएगा प्लस करके, 4x + 5x होता है 9x इज इक्वल टू 28,800 रुपीज, देयर फोर एक्स विल बी इक्वल टू 28,800 डिवाइड बाय 9, 9 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, अब देखो 9 के टेबल में 9 1 9 होता है, ठीक है, 9 1 9 होता है और 9 3 27 होता है, बराबर 9 3 27 होता है, 28 में 27 क्या 1 बचा 18 आया, तो 9 2 18 और ये 2 0 एक, therefore आपका x का वैल्यू आया 3200, ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 3200। तो हमने हमने क्या बोला कि ये जो रमेश और सुरेश का जो हिस्सा था, ठीक है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा मैं, या फिर इसको प्रॉफिट बोल सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट के बदले यहां पे मैं प्रॉफिट लिखूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, सुरेश का जो क्योंकि जैसा इन्वेस्ट करेगा वैसा प्रॉफिट भी मिलेगा, तो यहां पे ना प्रॉफिट वर्ड यूज करो, मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, सुरेश प्रॉफिट, सुरेश प्रॉफिट 4x और रमेश का प्रॉफिट 5x,
क्योंकि जितना इन्वेस्ट करेगा उतना प्रॉफिट भी होगा। सुरेश ने 4x इन्वेस्ट किया था तो प्रॉफिट भी 4x ही होगा, रमेश ने 5x इन्वेस्ट किया था तो 5x प्रॉफिट ही होगा, तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू 3200 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके हिसाब से, देयर फोर सुरेश का जो प्रॉफिट हो जाएगा, सुरेश का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स का वैल्यू है 3200, यानी कितना हो जाएगा, 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8, 4 3 12, 12,800 रुपया हो गया सुरेश का प्रॉफिट। और नीचे रमेश का प्रॉफिट लिख देता हूँ, रमेश का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स का वैल्यू है 3200, दैट इज नथिंग बट 0 0, 5 3 जो नहीं सॉरी 5 2 जो 10, 1 कैरी, 5 3 जो 15, 16, 16,000 रुपया हो जाएगा किसका, रमेश का प्रॉफिट। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने उसके हिसाब से सुरेश को 12,800 रुपया मिला और रमेश को कितना मिला, 16,000 रुपया मिला। ठीक है, प्रॉफिट की बात हो रही है, बाकी जो उसका 1,44,000 था वो तो था ही, लेकिन ये प्रॉफिट की बात हो रही है, इतना इतना प्रॉफिट उन्होंने कमाया। तो इस तरीके से ये पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करने होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकंड, टू वायर, अब ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है, विराट एंड सम्राट दो प्लेयर होंगे, प्लेयर नहीं है कोई और, जो भी है, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टमेंट 50,000, 50,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया, विराट ने 50,000, सम्राट ने 1,20,000 रुपीज टू स्टार्ट ए बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया। दे सफर्ड ए लॉस ऑफ 20%, 20% उनको लॉस हुआ, क्योंकि देखो बिजनेस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ फायदा ही हो, नुकसान भी होता है भाई। तो 20% उनको लॉस हुआ, तो हमें बोल रहा है हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम मेक, मतलब यहाँ पे पूछा है कि दोनों को इंडिविजुअल बेसिस पे कितना कितना लॉस हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बस सेम ही क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले देखा, उसमें बस प्रॉफिट पूछा था, इसमें लॉस पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे हम लोग, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है भाई, विराट ने 50,000 रुपया दिया था, ठीक है, विराट ने 50,000 दिया था और क्या नाम है इसका, सम्राट ने 1,20,000 रुपया दिया था, तो उस हिसाब से हो गया 1,70,000 रुपीज, ठीक है, 1,70,000 रुपीज, ये क्या हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इस इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, 20% लॉस हो रहा है, क्या बोल रहा है, 20% लॉस हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लॉस अर्नड, अर्नड या फिर लॉस, टोटल लॉस बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है सही वर्ड जो है वो बोल सकते हो। तो लॉस जब भी आएगा तो प्रॉफिट अर्नड होता है और लॉस इनक्योर्ड होता है, लॉस इनकर्ड, ठीक है। तो कितना लॉस इनकर्ड हुआ, 20% लॉस इनकर्ड हुआ। तो हम लोग यहां निकालेंगे टोटल लॉस, ठीक है, निकालते हैं हम लोग टोटल लॉस। टोटल लॉस कैसे निकालोगे, 20% ऑफ इस पे हुआ जो भी उसने इन्वेस्ट किया था, 1,70,000, जो भी पैसा उन्होंने डाला उस पे 20% लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1,70,000 का वैल्यू, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा वैल्यू निकालो। देखो ये 2 जीरो और ये 3 जीरो तो आएगा ही, 1 2 3 जीरो तो आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, और 17 2 जो होता है 34, 34,000 रुपीज़ का उन्होंने लॉस किया, ठीक है। तो टोटल लॉस हो गया 34,000 रुपीज़, ये आ गया हमारा टोटल लॉस। लेकिन 50-50 का रेशियो होता तो मैं डायरेक्ट 34 को डिवाइड बाय 2 करता, 17-17,000 का दोनों को लॉस होता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 50% इन्वेस्ट नहीं किया है, यहाँ पे कोई रेशियो भी नहीं दिया, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया है 50,000 और 1,20,000, तो उसके हिसाब से इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो टोटल लॉस तो मुझे मिल गया 34,000। अब जो मेरा प्रपोर्शन अमाउंट है, ठीक है ना, प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग निकालेंगे। तो अगर आप देखो यहां पे एक चीज ध्यान से सुनना या फिर समझना, तो यहां पे जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसा है, देखो ध्यान से, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, एक ने किया 50,000 इन्वेस्ट, इसका रेशियो निकलेगा किससे, 1,20,000 के हिसाब से, बराबर। जैसे हम लोग को 4:5 रेशियो दिया था, यहां पे कोई रेशियो दिया नहीं है लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक ने 50,000 इन्वेस्ट किया, एक ने 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो इसको मैं अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 1,20,000, ठीक है, यहां पे 4 जीरो कैंसल, यहां पे भी 4 जीरो कैंसल, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यहां आ गया 5/12, 5/12, तो इसका रेशियो आ जाएगा 5:12, तो 5:12 मेरा रेशियो है, यानी पहला नाम किसका है, पहला नाम है विराट, तो विराट ने पांचवा हिस्सा विराट ने इन्वेस्ट किया होगा और 12वां हिस्सा, यानी 12 हिस्सा किसने किया है, सम्राट ने किया है, तो इससे पता चल गया। तो अब मैं मान लूंगा कि अगेन वही वही वाला फंडा कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो लेट द कॉमन
मल्टीपल बी एक्स, कॉमन मल्टीपल एक्स है, हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है कि लॉस निकालना है, तो हम लोग लॉस निकालेंगे, तो देयरफॉर विराट का जो लॉस होगा, विराट का जो लॉस होगा वो कितने गुना होगा, पहला नाम इसका है तो पहला नंबर उसका आएगा, दैट इज 5 गुना विराट को लॉस हुआ, और जो सम्राट है उसको जो लॉस होगा वो होगा 12 गुना, बराबर 12x 12 गुना होगा क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। तो अब हमें पूछा है कि हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ दिम मेक, तो हम लोग को एक चीज पता है कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो टोटल लॉस था वो विराट और सम्राट का मिला के था, तो देयरफॉर मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में ये बोल सकता हूं कि जो विराट का लॉस था और सम्राट का लॉस था ये कुल मिला के टोटल लॉस जो था वो था 34,000 रुपीज, मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो 5x + 12x = 17x = 34,000 रुपीज, ठीक है। तो देयरफॉर x का वैल्यू यहां से मिलेगा 34,000 / 17। अब 17 के टेबल में 17 बन जाओ 17, 17 टू 34 और ये 30, 1, 2, 3, 0 लगा दो, देयरफॉर वैल्यू आ गया 2000, तो x का वैल्यू 2000 आ गया। तो इसके हिसाब से मैं लॉस निकाल सकता हूँ, विराट का लॉस कितना हुआ, उसका लॉस कितना हुआ, तो देयरफॉर विराट का जो लॉस होगा वो हो जाएगा 5x मतलब 5 गुना 2000, x का वैल्यू 2000 है, तो ये हो जाएगा कितना 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 10,000, तो 10,000 लॉस हो गया विराट का, ठीक है। और सम्राट भाई साहब का जो लॉस होगा वो कितना होगा, सम्राट भाई साहब का लॉस होगा 12 गुना 12x यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 2000, x का वैल्यू 2000 है, 12 होता है 24,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि जो विराट भाई साहब है उसको 20% के हिसाब से 10,000 का फटका लगा, 10,000 का लॉस हुआ है, और सम्राट को कितने रुपए का लॉस हुआ है, 24,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे जाएं, देख सकते हो कितना इजी होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, हार्ड है, हार्ड मतलब क्या, लेंथी है, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगा अगर आपको कंसेप्ट पता है और इस तरीके से आपको सॉल्व करने आता है तो, ठीक है। चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है यहाँ पे, श्वेता पीयूष एंड नचिकेत, ठीक है, तीन लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 80,000 रुपया, ठीक है, 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, एंड इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है शीट्स का, शीट मतलब जो टावेल होते हैं ना, टावेल शीट्स, बेडशीट्स वगैरह का उन्होंने बिजनेस चालू किया बेचने का। श्वेता का जो शेयर है वो है 30,000 रुपीज, पीयूष का जो शेयर है वो 12,000 रुपीज है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 24%, मतलब एक साल बीतने के बाद उन्होंने उस पैसे पे कितना कमाया, 24% का प्रॉफिट कमाया है। व्हाट वॉज द नचिकेत इन्वेस्टमेंट, मतलब तीन लोग हैं, श्वेता पीयूष और नचिकेत, इन तीनों ने मिला के 80,000 रुपए पहली बात तो इन्वेस्ट किए, ठीक है। 80,000 में से इन्होंने जो श्वेता का जो शेयर था कैपिटल में से वो 30,000 था, मतलब श्वेता ने 30,000 निकाला था, पीयूष ने 12,000 निकाला था, और नचिकेत का इन्वेस्टमेंट हमें पूछा है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना होता है, तो ये तो बहुत सिंपल है कि 80,000 टोटल था, दो लोग का पता है तो तीसरा मैं निकाल सकता हूं। और एक और चीज पूछा है, व्हाट वाज हिज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में उसको कितना शेयर मिलेगा, ये हम लोग कैलकुलेट करने बोला है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिखने में हार्ड लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे, अगर आप देखो तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ है तीनों का मिला के वो हुआ है 80,000 रुपया, ठीक है, 80,000 रुपीज है टोटल इन्वेस्टमेंट। हमें निकालना है नचिकेत का इन्वेस्टमेंट, तो नचिकेत का इन्वेस्टमेंट अगर मुझे निकालना है तो मुझे एक चीज पता है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तीनों का मिला के है, यानी कि श्वेता का प्लस क्या नाम है इसका, पीयूष का, एक सेकेंड, श्वेता का प्लस पीयूष का प्लस नचिकेत का, ये तीनों का मिला के ही इन्वेस्टमेंट है ना, नचिकेत इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट लिख दिया, जो भी आप पूरा लिख देना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे पता है 80,000 है, ठीक है, श्वेता का मुझे पता है 30,000 है, पीयूष का मुझे पता है 12,000 है, दिया हुआ है सब चीज, लेकिन नचिकेत का मुझे पता नहीं है। तो नचिकेत इन्वेस्टमेंट मुझे पता नहीं था, अब यहां से निकल जाएगा 30 + 12 = 42 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 80,000 - 42,000 = नचिकेत इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी है यहां पे, ठीक है। तो देयरफॉर नचिकेत जो था, नचिकेत इन्वेस्टमेंट
इज इक्वल टू 80,000 में से 42,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 38,000। तो 38,000 जो था वो किसका था, नचिकेत का इन्वेस्टमेंट था। तो ये आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना था टोटल में से, तो टोटल में से नचिकेत का था 38,000 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, ओके क्लियर। अब यहां पे इन सभी लोगों ने देखा जाए तो बिजनेस किया, चद्दर बेचा, तौलिया बेची। बिजनेस करने के बाद इन्होंने एक साल के बाद उस पर 24% प्रॉफिट कमाया। तो हम लिखेंगे यहां पे प्रॉफिट अर्न, यहां पे लिखो प्रॉफिट अर्नड, कितना कमाया प्रॉफिट अर्न 24% कमाया। तो अब मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना भी पड़ेगा, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, टोटल प्रॉफिट निकालता हूं पहले तो, ठीक है। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 24%, ठीक है ना, 24% ऑफ इसका, इसका कि पूरे का, पूरे का 80,000 का, ठीक है। 24% किसका, पूरे अमाउंट का जो उन्होंने सब मिलके इन्वेस्ट किया था। मतलब इसका वैल्यू आएगा 24/100 मल्टीप्लाई बाय 80,000। दो जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल, कितना बचेगा देखो, ये दो जीरो तो आएगा लास्ट में 8 के टेबल में, 8 4 32, 3 कैरी, 8 2 16, 17 18 19, 19,200 रुपया, ठीक है। 19,200 रुपया जो है ये क्या है, इनका प्रॉफिट है। मतलब इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो 19,200 कमाया। लेकिन हमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि इन्होंने टोटल पैसा कितना कमाया। हाँ, ये हमने इसलिए निकाला कि हम लोग को क्वेश्चन ये भी पूछा कि व्हाट वाज द शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब किसका, नचिकेत का। तो तीनों का ये प्रॉफिट जाएगा, मतलब 19,200 रुपया जो प्रॉफिट मिला है इसमें से श्वेता का भी प्रॉफिट है, पीयूष का भी प्रॉफिट है और नचिकेत का भी प्रॉफिट है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमको श्वेता और पीयूष से मतलब नहीं, हमको नचिकेत का प्रॉफिट बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे नचिकेत का प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, प्रपोर्शन लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, प्रपोर्शन लेंगे। तो प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं लिखूं, जैसे हम हमेशा लिखते हैं, तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक कलर ग्रीन और लिखता हूं मैं देयरफॉर प्रपोर्शन। क्यों ले रहा हूं प्रपोर्शन, ताकि एक रेशियो मिल सके। तो प्रपोर्शन ऑफ किसका है, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा कि श्वेता का और पीयूष का और नचिकेत का, बराबर। तो श्वेता का जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, वो है, उसके अलावा जो पीयूष का इन्वेस्टमेंट है वो है, ठीक है, और इसके अलावा नचिकेत का जो इन्वेस्टमेंट है वो है। तो श्वेता ने कितना डाला है पैसा, 30,000 डाला है, ठीक है, इसका रेशियो। फिर उसके बाद कौन है, पीयूष ने कितना डाला है पैसा, कहां गया पीयूष, 12,000 डाला है उसने, सबसे कम पीयूष ने डाला है तो कम पैसा मिलेगा। और तीसरा जो है अभी अभी हमने निकाला नचिकेत का जो इन्वेस्टमेंट है वो 38,000 रुपीज, ठीक है, 38,000 रुपीज। अब इन तीनों को हम लोग को छोटा करना है और रेशियो बनाना है। तो अगर आप देखोगे तीन जीरो डायरेक्टली काट दो, क्या बचेगा 30:12:38। अब ये किसके टेबल में जाएंगे, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 19, 2 के टेबल में 2 15, ठीक है, फिर 2 6 और 2 19, 15 6 और 19 आ रहा है, 15 6 और 19, ये इसका रेशियो आ रहा है। मतलब 15:16:6:19 जो है वो आ रहा है, ठीक है, जो हमने 2 2 से इसको डिवाइड किया, समझ में आ गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास। तो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे मिल गया, ये हो गया मेरा प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ले लेता हूं मैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर जो श्वेता थी, therefore जो श्वेता थी, श्वेता का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, श्वेता का इन्वेस्टमेंट पहला वाला 15x हो जाएगा, उसके बाद कौन था, पीयूष, पीयूष का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहां पे, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये 6x हो जाएगा। और तीसरा कौन है, क्या नाम है भाई इसका, नचिकेत, सबसे ज्यादा इसका ये नचिकेत का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा कितना, 19 गुना, यानी 19x। तो इस तरीके से हमने x के फॉर्म में तीनों के इन्वेस्टमेंट बता दिए, ठीक है। लेकिन ये तीनों ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा उसका टोटल क्या है, 80,000 है। मतलब 15x को अगर 6x से और 19x को प्लस करूंगा तो टोटल 80,000 बनेगा। तो वो करके देखता हूं, एक नया पेज ले लेता हूं, ठीक है। तो वी नो टोटल इन्वेस्टमेंट, वी नो टोटल इन्वेस्टमेंट, तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि जो पीयूष का, नहीं, श्वेता का 15x, पीयूष का 6x
और नचिकेत का 19x, इन तीनों को प्लस करूंगा तो जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा जो कि था 80,000 रुपया। ठीक है, ये 80,000 रुपया आएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमको किसका किससे मतलब है, हमको प्रॉफिट से मतलब है। तो एक्चुअल में यहां पे हमें अगेन इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, यहां पे प्रॉफिट लेना है, जो कि मैंने गलती से वापस से इन्वेस्टमेंट ले लिया है। हमें इन्वेस्टमेंट नहीं निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो यहां पे वर्ड आप लिखो प्रॉफिट। ठीक है, मैं बार बार गलती कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट लिख दे रहा हूं प्रॉफिट की जगह पे, क्योंकि हमको अब यहां पे प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट से मतलब है, तो प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग। तो सेम उसी प्रकार वी नो द टोटल प्रॉफिट, वी नो द टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 15x प्लस 6x प्लस 19x इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना निकाला था हमने इसके पहले, टोटल प्रॉफिट निकाल के रखा है हमने, प्रॉफिट अर्नड कितना निकाला है भाई, 19,200 रुपया। तो वहां पे लिखो इज इक्वल टू 19,200 रुपया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, 19,200 रुपया। ठीक है, 15 प्लस 6 होता है 21, 21 प्लस 19 होता है 40, तो 40x इज इक्वल टू 19,200 हो गया। अगर फॉर x का वैल्यू हम लोग को चाहिए तो ये 19,200 ये इधर ही रहेगा, डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, ये 0 ये 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, 3 बचा और 32 हो गया, 4 8 जा 32 हो गया और एक 0, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 480 आएगा, ये कॉमन मल्टीपल है, x का वैल्यू आ गया 480। लेकिन ये x है क्या, ये x हमने कॉमन मल्टीपल माना था, हमको चाहिए हर एक का प्रॉफिट, हर एक का नहीं, खासकर नचिकेत का चाहिए और किसी से मतलब नहीं है। तो हमको ये दोनों से मतलब नहीं है, सिर्फ नचिकेत का प्रॉफिट दिखाना है, तो नचिकेत का प्रॉफिट है 19x। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नचिकेत, देखो तीनों आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से निकल जाएगा, लेकिन हमको नचिकेत का ही दिखाना है। तो नचिकेत का जो प्रॉफिट है वो है 19 गुना यानी 19x, तो 19 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू यहाँ पे है 480, मल्टीप्लाई कर दो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करता हूँ, 480 मल्टीप्लाई बाय 19 करता हूँ, 900, 98 जा 72, 7 कैरी, 94 जा 36 प्लस 7 43, 0 100, 18 जा 8, 14 जा 4, 0283 11, 4489 9120। ये किसका प्रॉफिट हो गया, नचिकेत का प्रॉफिट हो गया। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो नचिकेत ने 38,000 रुपया इन्वेस्ट किया है और उसको प्रॉफिट कितना मिला है, नचिकेत का प्रॉफिट शेयर कितना है 9,120 रुपया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी आसानी से, बड़ी आसानी से यहां पर आप देख सकते हो सॉल्व करके दिखा दिया है। क्लियर, समझ में आ गया है कि नहीं? देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं यार, मतलब क्या ही बता सकता हूं मैं, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया, चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। तो ये एग्जांपल देख पा रहे हो, ए बी शेयर ए प्रॉफिट ऑफ प्रोपोर्शन। देखो ये प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, सेम जो पहला एग्जांपल हमने किया था, वहां पे 4:5 का रेशियो था, यहाँ पे 3:7 का रेशियो है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो बस यही है कि मैं आपको ये एग्जांपल एज ए होमवर्क देना चाहता हूं, ताकि आप पहले वाले एग्जांपल के जैसा इसको भी सॉल्व करें। तो फटाफट से ये एग्जांपल सॉल्व करो और इसका जवाब, इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, देखता हूं मैं भी कितने लोग आंसर सही निकाल पाते हैं कि नहीं। चलो हम एक चलते हैं एक आखिरी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये पूछा है कि जया, सीमा, निखिल और नीलेश, ये चार लोग हैं, इन्होंने कुल मिला के पैसा डाला है 360,000 रुपया। चार लोग ने मिलकर 360,000 रुपया डाला है टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। क्या बनाया उन्होंने, पार्टनरशिप बनाया है, और उनके इन्वेस्टमेंट जो है उनका प्रपोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे 3:4:7:6, मतलब तीन हिस्सा जया का होगा, चौथा हिस्सा सीमा का होगा, सात हिस्सा निखिल का जाएगा और छह हिस्सा नीलेश का जाएगा। वॉट वॉज द जयास एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल, मतलब जो भी पैसा 360,000 डाला है कैपिटल, मतलब जो पैसा उन्होंने डाला है उसमें जया का एक्चुअल शेयर यानी एक्चुअल पैसा कितना था जया का वो निकालना है। साथ ही में बोल रहा है कि उन्होंने 12% के हिसाब से प्रॉफिट भी कमाया, 12% प्रॉफिट कमाया, तो हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक, निखिल ने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन, बस आसानी से इसको सॉल्व करना है जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमेशा लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है भाई साहब, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है, कुल मिला के 360,000 रुपया जो है वो इन्वेस्ट हुआ है, 360,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट कमाया कितना, 12% का। तो लिखो यहां पे प्रॉफिट अर्नड, प्रॉफिट कमाया मतलब अर्न किया, तो प्रॉफिट अर्नड कितना है 12%। तो अब मैं निकालूंगा टोटल प्रॉफिट, तो लिखो यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 12% के हिसाब से 12/100 मल्टीप्लाई बाय 360,000 रुपया, 360,000, 20 कैंसिल यहां, 20 यहां कैंसिल। ठीक है, निकालो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 करो। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 करोगे तो आपका आंसर आएगा 43200।
है 43200 रुपीज। तो ये आ गया उसका टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यहां से निकल गया हमारा, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट जो निकल गया है इसमें चार लोग का हिस्सा है, और वो भी हिस्सा क्या है, प्रोपोर्शन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर वो आपको प्रोपोर्शन लिखना है तो आप प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो। तो मुझे पता है कि प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, यहां पे ध्यान देना, यहां पे मुझे पता है कि प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, 3:4:7:6, ये क्या है, मेरा प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी 3 हिस्सा 4 हिस्सा 7 हिस्सा और ये 6 हिस्सा, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होगा वो भी इसके हिसाब से होगा और इन्वेस्टमेंट भी इसी हिसाब से होगा। तो मुझे पता है कि यहां पे ये है। अब मैं क्या कर लूंगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से मैं कॉमन मल्टीपल लेके मैं इनका इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे, ध्यान देना, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि मैं लिख देता हूं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो देयरफोर मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो मेरा पहला नाम है जया, तो जया का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालना है, व्हाट वाज द जयास एक्चुअल शेयर, मतलब जया ने कितना इन्वेस्ट किया वो भी निकालना है ना। तो मैंने प्रॉफिट का डालने के पहले मैं इन्वेस्टमेंट निकालूंगा, तो जया का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा, 3x। ये अगला कौन है, सीमा, सीमा का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। उसके बाद कौन आता है भाई, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं इसको, अब यहां पे देखो जय के बाद कौन है, सीमा हो गया, निखिल, निखिल का कितना है, निखिल का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 है ना, 7x, और चौथा है 6x, कौन है, क्या नाम है उसका, निलेश, निलेश का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 6x। तो ये हम लोग ने एक बहुत बेसिक चीज लिखा कि दोनों चारों का इन्वेस्टमेंट इतना है। तो ये चारों ने इन्वेस्ट करके कितना पैसा डाला, 360,000 डाला, मतलब ये चारों चीज को प्लस करके 360,000 लिख सकता हूं। तो देयरफॉर वी नो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है कि ये जो रेशियो निकले हैं 3x जया का, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, 3x जया का, उसके बाद सीमा का 4x है, उसके बाद निखिल का कितना है, 7x है, और निलेश का है 6x। ये चारों का पैसा मिला के ही 360,000 इन्वेस्ट उन्होंने किया है। तो उसके हिसाब से 3 + 4 = 7, 7 + 7 = 14, 14 + 6 = 20, तो 20x = 360,000 हो गया। तो देयरफॉर x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, 360,000 / 20, 1010 कैंसिल, ठीक है, क्या बच रहा है, 2 × 2 = 2, 2 × 18 = 36, और 3 0 1 2 3 0, मतलब यहां से मुझे क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 18,000, ठीक है, समझा यहां चीज, x का वैल्यू क्या मिल गया, 18,000 मिल गया। लेकिन x क्या है, मेरे लिए कॉमन मल्टीपल है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए, जया का शेयर चाहिए, बाकी से मतलब नहीं है, तो जया का इन्वेस्टमेंट निकाल दूंगा। तो देयरफॉर जया इन्वेस्टमेंट, तो जया का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा, कितना है भाई, जया का इन्वेस्टमेंट कितना है, 3x है, यानी 3 × x का, तो 3x है, मतलब 3 × x का वैल्यू है 18,000, यानी कि जया का जो इन्वेस्टमेंट आ गया 3 × 18,000 कितना होता है, 18 × 3 = 54, यानी 54,000 रुपीज सिर्फ जया ने डाला है। 360,000 में से जया ने कितना पैसा डाला है, 54,000 रुपीज डाला है। तो ये हो गया एक सवाल का जवाब, ये वाला सवाल का जवाब हमने दे दिया। अब एक और चीज जो पूछा इसमें कि हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक, निखिल ने प्रॉफिट कितना कमाया, तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, जितना निलेश का या निखिल का इन्वेस्टमेंट जो रहेगा उतना ही प्रॉफिट कमाएगा, तो 7x उसका इन्वेस्टमेंट है, समझ में आ रहा है बच्चा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 7x क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट भी उसके हिसाब से निकलेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉल करो उसको, ठीक है, कॉल करो। तो प्रॉफिट कितना कमाया उन्होंने, देखो यहां पे हमने निकाल रखा है प्रॉफिट 43,200 रुपीज कमाया है, ठीक है, प्रॉफिट कितना कमाया है, 43,200 रुपीज कमाया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जैसा हमने टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा, अब टोटल प्रॉफिट लिखता हूं मैं यहां पे, ठीक है, रुको, टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगा, जितना भी है, जैसे फॉर एग्जांपल जया ने 3x कमाएगी जितना इन्वेस्ट किया उतना, सीमा ने 4x कमाएगी, निखिल ने 7x कमाएगा, और निलेश ने 6x कमाएगा, और ये तीनों चारों का मिला के जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो प्रॉफिट अर्न हमने निकाल कर रखा है 43,200 रुपीस, तो 43,200 रुपीस इन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो 3 + 4 = 7, 7 + 4 = 14 + 20,
बीस एक्स इज इक्वल टू 43,200 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देयर फोर एक्स का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, 20x इज इक्वल टू 43,200 है ना, यहाँ पे आगे सॉल्व कर लो तो देयर फोर एक्स का वैल्यू आएगा 43,200 होल डिवाइडेड बाई 20। 0,0 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा और 1 0, मतलब x का वैल्यू यहां से मिल रहा है 2160। x का वैल्यू यहां से मिल गया, मुझे क्या चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ निलेश का, निलेश नहीं, क्या नाम है, निखिल का, निखिल का इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि है 7, इन्वेस्टमेंट नहीं माफ करना, निखिल का प्रॉफिट चाहिए, तो निखिल का प्रॉफिट भी 7x ही होगा, ठीक है। तो देयर फोर निखिल का, निखिल्स प्रॉफिट जो होगा, जितना इन्वेस्ट किया उतना ही उसका रहेगा, दैट इज 7x रहेगा। तो देयर फोर 7 × x है आपका यहाँ पे 2160, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0 7 6 42, 4 कैरी, 7 1 7 + 4 11, 1 कैरी, 7 2 14 + 1 15, मतलब 15,120 रुपया। ये हो गया किसका, निखिल नाम के प्राणी का, निखिल नाम के बंदे का प्रॉफिट, मतलब 15,120 रुपया जो है उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड नहीं है, यहां पे मैं बताने की कोशिश कर दिया। तो यहां पे दो क्वेश्चन पूछा था, एक तो पूछा था कि जया का शेयर कितना है, कितना पैसा उसने डाला, तो जया ने कितना पैसा डाला है, 54,000 रुपीज जया ने इन्वेस्ट किया है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था निखिल ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो निखिल ने कितना प्रॉफिट कमाया है, निखिल ने कमाया है 15,120 रुपया प्रॉफिट कमाया है। समझ में आ गया, तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 39 यानी पार्टनरशिप का जो भी क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट करा दिया। इसी के साथ ये पूरा एंटायर चैप्टर जो है हमारा, जिसका नाम था डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, ये कंप्लीट होता है। समझ में आ गया, तो बस आज के लिए इतना, इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, चैप्टर पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ठीक है, जितना हो सके शेयर करना, ताकि हर बच्चा जो 7वीं में है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला सके। तो ऐसे ही आगे के वीडियोज भी हम लाते रहेंगे कंटिन्यूसली, आप बस बने रहना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।